अब स्टार्ट करते हैं अपना सब कुछ। तो जैसे स्टार्ट में मैंने बताया आपको कि भूषण के जाने के बाद में और भी बहुत सी चीज़ें हुई जिससे हमें हमारी लाइफ में बहुत असर पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। एक्चुअल में बात ऐसी हुई थी कि जब भूषण गया तब उसके बाद में हम यहाँ ही थे, जॉब कर रहे थे, ऑफिस कंटिन्यूस ऑफिस जाना आना हो रहा था 10 to 8। बीच में हमें न्यूज़ आई कि हमारे सर लेट मिस्टर अर्सुल सर, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा बिकॉज ऑफ कोरोना। तो कोरोना की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उनकी ट्रीटमेंट चालू थी और बीच कोरोना हम उनके साथ रहे मीन्स उनकी देखभाल करना, उनको मेडिसिंस या ये सब, मतलब जैसे एक फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमने उठाई और हम सर के साथ रहे। एक्चुअल हमारी बॉन्डिंग वैसी है कि हम, अगर कोई और होता तो हम नहीं करते, बट सर के लिए हम, अगर कोई हमें नहीं भी बोलता तो भी हम जाते हैं। 9 days सर्वाइव करने के बाद में ही पास्ट एंड उनके जाने के बाद में फिर जो भी आपने व्लॉग देखा वो हमने अपलोड किया। हम गए वहाँ पे फिर से, फिर हमने अपलोड किया। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो मैं आपको दिख रहा हूँ स्क्रीन में और आप मुझे देख पा रहे हो, वो उन सर के बदौलत है। अब वो क्यों, जब हम YouTube स्टार्ट करने वाले थे, अपनी YouTube की जर्नी ही सर के वजह से स्टार्ट हुई है। हमने पहला वीडियो, जो हमारा पहला वीडियो है, वो अपलोड किया था 20 February 2020 को, लॉकडाउन लगने से पहले। तो हम दिल्ली गए हुए थे, वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस बनाई जो मुझे डालनी नहीं थी, वो सिर्फ मैंने ऑफिशियल लोगों के लिए ही रखी थी, ऑफिस के लिए ही रखी थी, वहाँ तक ही सीमित थी वो। बट सर ने कहा कि तू यूज़ कर सकता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो वीडियो मैंने अपलोड की, जो भी मेरी फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद में मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी, वृंदावन हो गई, दिल्ली टूर हो गया, तो वो सब वीडियोस। और मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा कि ये ट्रिब्यूटेड वीडियो होने वाली है सर के लिए, हमारे सर के लिए। तो इस वीडियो के एंड में जो मैंने वीडियोस बनाई है सर के साथ, दिल्ली की या ऑफिस की होगी, तो मैं सारी मतलब मीन्स उनमें से कुछ सीन्स अपलोड करूँगा इसी के साथ, यही वीडियो के साथ। तो देखना ज़रूर, अगर आपकी इच्छा नहीं भी है तो भी प्लीज़ देखना, क्योंकि वो सर नहीं, मेरे फैमिली का एक हिस्सा थे और मैं उनके फैमिली का हिस्सा था, हिस्सा हूँ, अभी भी हूँ। और सर भी कहीं गए नहीं है, सर यहाँ पे ही है। उन्होंने जो मोटिवेशन दिया है हमें, उस मोटिवेशन के बदौलत हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम खुश नहीं है, हम खुश हैं। ये हंसी, ये सब कुछ सिर्फ सर के बदौलत है। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, शायद मैं इमैच्योर दिखूँ, मुझ में वो मैच्योरिटी नहीं दिखेगी कुछ लोगों को, हमें पता है। और मैं लोगों के हिसाब से नहीं चलता, मैंने पहले भी वीडियोस में आपको कहा है। तो सर ने एक चीज़ कही थी मुझे लास्ट डेज में, सर के जो 9 days के बारे में मैंने बात की, सर सर्वाइव कर रहे थे, बट एक्चुअल सर सर्वाइव करते करते भी हमें बहुत कुछ सिखा गए मुझे। तो लास्ट डेज में जैसे सर ने मुझे कहा कि तेरे ड्रीम्स क्या है, तो मैंने मेरे ड्रीम्स, सारे ड्रीम्स सर को बताए कि मेरे ऐसे ऐसे ड्रीम्स है। तो सर ने एक चीज़ कही मुझे कि शायद लोग तुझे पागल कहेंगे, जो कि कहते ही है, और हम उनको ना देखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं, हमारे ड्रीम्स पूरे करने के पीछे लगे हैं और काम भी कर रहे हैं साथ में। तो सर ने एक चीज़ कही कि लोग तुझे पागल कहेंगे, आई नो। जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो हिस्ट्री पढ़ा करते हैं, क्योंकि वो पागल लोगों ने ही क्रिएट की हुई रहती है। तो इस चीज़ को हम अपने साथ लेते हुए हम वीडियोस बनाते जाएंगे। लोगों को कुछ भी कहने दो, क्योंकि लोगों का काम ही है। हम हमारे ड्रीम्स भी पूरे करेंगे, हम व्लॉगिंग भी करेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे। आपको
जो भी जगह है, नई नई जगह है, हम एक्सप्लोर करेंगे। अब जैसे ये हो गया नंदा भवानी, हम आए यहाँ पे, ये जगह एक्सप्लोर की। इससे पहले हम तीखी गए थे। हाँ, ये वीडियो मेरे सर के लिए है, हमारे फैमिली के जो एक मेंबर थे उनके लिए है। तो प्लीज़ ये वीडियो इसके आगे भी देखना। तो बस यही तक था, हम जाएंगे करते। तो इस वीडियो का एंड यहाँ नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं एंड नहीं करूँगा। बट यही कहूँगा कि सेफ रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना से दूर रहो। कोरोना की बात निकली है तो फिर सर के जाने के बाद में हमारा कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें रिपोर्ट आने में 1.5-2 दिन लग गए थे। उन 1.5-2 दिन में मैंने शायद से वो फील किया जो अब तक मैं फील नहीं किया था मैंने। मतलब जो डर है कोरोना, इंसान कोरोना की वजह से नहीं तो डर की वजह से अपनी जान गंवा रहा है। तो डरो मत, कोरोना मानता हूँ बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक तो है ही। तो बस अगर है, जिनको भी है, मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जिनको भी कोरोना है वो डरे ना, अपनी फैमिली को ना डरे, बस सर्वाइव करो। और जो भी प्रिकॉशंस है, डॉक्टर जो भी कुछ कह रहे हैं आपको, वो लेते रहो डे टू डे, जैसे भी डॉक्टर आपको कहेंगे वैसा। जो लोग हॉस्पिटल में ये वीडियो देख रहे हैं वो ना डरे, शायद से उसी वजह से हमने, हमारे फैमिली मेम्बर उनको हमने गवाया है। डरने की वजह से ही जान जा रही है, बाकी कुछ नहीं है। कोरोना से लोग सर्वाइव कर भी रहे, आ भी रहे, बच रहे भी, रिकवरी रिपोर्ट्स डेथ से ज़्यादा है ऐसा लगता है भी वैसा ही है। तो बस सर्वाइव करो, ये एक्सपीरियंस है हमारा, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी आप सलाह तो डॉक्टर की ही लो, मैं तो यही कहूँगा। और अगर आपको है तो आप बताओ, बिकॉज ऑफ पता नहीं ये मैजिक हुआ या क्या था, बट टेस्ट सबके हुए। और मैं कहूँगा ना, जितने करीब हम थे हमारे सर के, शायद एक को तो भी कोरोना होना चाहिए था, एक को तो भी। हमने गवर्नमेंट में भी चेक किया, हमारे मतलब टेस्ट कराए, और प्राइवेट में भी कराए। तो ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स कुछ अलग थे और प्राइवेट के कुछ अलग थे, एज इट इज़ रिपोर्ट्स थे। तो हमें कुछ नहीं हुआ और हम आपके सामने। तो सादी अगर खांसी भी आती है और सर्दी भी है तो तुरंत चेकअप कराओ, क्योंकि ये ज़रूरी है। छुपाने से आप आपके फैमिली को भी उस मुसीबत में डाल सकते हो। सीधा अगर आपको नहीं चेक करना है तो फिर एक रूम में बंद हो जाओ कुछ 14 दिन के लिए। फैमिली से खाना पीना बस वही फैमिली से मंगवाओ, उनसे दूर रहो, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं यार। और हमने एक फैमिली का हिस्सा, एक मेंबर गवाया है, तो हम जानते हैं उसकी अहमियत। तो बस जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो इसी वजह से। तो ये वीडियो का एंड तो नहीं है, बट हाँ इसके आगे भी जो है वो आप देखो, शायद आपको पसंद आएगा। वैसे सर एक लेजेंड ही थे और रहेंगे। लेजेंड्स नेवर डाई।